में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह के पूरनपुर आगमन पर लोगों ने फूल मालाएं डालकर जोरदार ढंग से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बड़ी रेल लाइन मेनका गांधी ने न बनाकर कांग्रेस ने बनाई है, जिसकी घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कर चुके हैं। श्री सिंह ने कहा किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। अब किसानों के बिचौलियों की लूट से बचने के लिए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और विधायक को आगे आना होगा। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार ढंग से फूल मालाएं डालकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि पीलीभीत से लखनऊ तक बड़ी रेल लाइन को केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने नहीं बनवाई, बल्कि उक्त लाइन कांग्रेस के दौर में उनके प्रयास से स्वीकृत हुई थी, जिसकी घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री ने पूरनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए की, जिसको क्षेत्र की जनता ने सुना और जाना। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने के लिए उन्होंने 2002 में चक्का जाम आंदोलन किया था, जिसमें हजारों किसानों ने सहयोग किया, जो 15 दिन तक लगातार चला। इसके बाद ही शासन प्रशासन नेता और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने पर राजी हुआ। इस संबंध में शासन व संगठन के प्रतिनिधियों की कई दौर में वार्ता भी हुई, तभी से किसान जागरूक हुआ और समय समय पर अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष करता आ रहा है। किसान की एकता से देश के प्रधानमंत्री डरते हैं और किसानों के हित में संगठन की मांग पर अनेकों घोषणा कर चुके और आगे भी करेंगे, जबकि देश के प्रधानमंत्री किसी भी संगठन से नहीं डरते। अब किसानों को उनके धान की फसल का वाजिब दाम दिलाने और बिचौलियों की लूट से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री और विधायक को आगे आना चाहिए, क्योंकि उनको जनता ने चुना है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के लिए काम करें, उनकी हर परेशानी से मुक्ति दिलाएं। श्री सिंह ने किसान सहकारी चीनी मिल के गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके साथ काम करना होगा। श्री सिंह ने किसान सहकारी चीनी मिल के गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके साथ काम करना होगा और चुनाव के दौरान जाति धर्म में ना बढ़कर संगठन के साथ ईमानदारी से खड़ा रहना होगा, तभी वह उनके लिए काम करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इस मौके पर डॉक्टर निरंजन सिंह, धीरू कल्लू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दौरे का क्या मकसद है और आपका संगठन 2019 के चुनाव की, लोकसभा के चुनाव की क्या तैयारियां कर रहा है? दौरे का संगठन ये है कि दौरा मेरा चल रहा है, कभी अभी कल उत्तराखंड से आ रहा हूँ, मेरी गया था, फिर उत्तराखंड गया, उत्तराखंड से भी आया हूँ, कल सुबह संबल में था, संबल से अमरोहा में था, अब यहाँ पर हूँ, यहाँ के बाद कोटार जा रहा हूँ, और 3 दिन पहले अगर आप देखें कभी हम महाराष्ट्र में हैं। नहीं, मकसद क्या है? सुन लीजिए, कभी महाराष्ट्र में, कभी कर्नाटका में है, और सब पूरे देश में घूमने का मकसद यह है किसान को खड़ा करना। जो किसान आज बर्बाद हो रहा है, नेताओं ने सरकार किसान को आज दीमक की तरह खोखला कर दिया है, तो आज की तारीख के अंदर जो है हमारा लक्ष्य है कि किसान को खड़ा करना है और खेती को जिंदा करना है। मोदी जी ने कहा नौकरी दिला रहे, नौकरी मिल रही है क्या? किसको नौकरी मिल गई? जिसको नौकरी नहीं मिली वो आज डिप्रेशन में जा रहा है, आज क्राइम में जा रहा है, दूसरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, अगली पीढ़ी को बचाना है। इसको मकसद नहीं कहते, इसको मिशन कहते हैं। और आप सब जानते हो कि जो काम बीएम सिंह करता है उसमें लालच एक पैसे की नहीं होती है। और हम ये भी डंके की चोट पे कहते हैं, जो हमने उठाया बिदा, ऊपर वाले का साथ रहा तो कामयाब भी होकर दिखाएंगे उसका। नहीं सर, आप किसानों के लिए इतना कार्य करते हो, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप फिर जहाँ के तहीं खड़े रह जाते, क्या कारण है, इसकी वजह क्या है? ऐसा है कि ये हमारा पागलपन है कि जो लोग हमें धोखा देते हैं हम उन्हीं के घरों में पैसा भिजवा देते हैं। हर साल इलेक्शन हारने के बाद हमने डेफर पेमेंट भिजवाई के लोगों के यहाँ, ये हमारा पागलपन है। और ये पागलपन केवल है मोहब्बत के ऊपर, ये लोग मोहब्बत भी बहुत करते हैं, इतने कंजूस है वोट के लिए, पर प्यार बहुत देते हैं साथ साथ, वो प्यार में जो है कायल होकर हम लड़ लेते हैं। और इस बार हमें नहीं लड़ना, क्योंकि इस बार वीएम सिंह नहीं लड़ रहा, देश के पूरे किसान जब इकट्ठा हमने करके किए हैं, हार जीत देश के किसानों की होगी, इसलिए अगर हार गए तो देश का किसान 50 साल फिर खड़ा नहीं होगा, इसलिए हमें फूक फूक के कदम लेना है। इतना जरूर है क्योंकि पूरनपुर से प्यार है, पीलीभीत से प्यार है, पार्टी हमने बनाई है, पार्टी में हमने मेंबरशिप चालू नहीं करी है, वो मेंबरशिप भी पीलीभीत और पूरनपुर से ही चालू होगी, ये चालू होगी अभी 15-20 दिन में जब होगी, हम देखेंगे कि जो आदमी मेंबर बन रहा है वो दो जगह नहीं जाए। आज क्या है, वही मेंबर कांग्रेस में है, वही सपा में है, वही बसपा में है, वही हमारे साथ है,
तो हम देखेंगे कि उसमें एक ही जगह हो, वेबसाइट पे आ जाए, उसका पूरा का पूरा जो है खाता बही खाता सब साथ आ जाए, और फिर हम तय करेंगे कि चुनाव लड़ना लड़ना, किसी को लड़वाना नहीं लड़वाना। हाँ, इतना जरूर है ताल्लुक है इनसे और ताल्लुक रहेगा, और आवाम से हमें एक ही गुजारिश करनी है कि जो भी करो अपने आप को धोखा मत देना, अगली पीढ़ी को खड़ा करने की बात सोचते हुए अपना वोट देना, और अपना जो भी आपको ध्यान है पूरनपुर को, पीलीभीत को एक अच्छा शहर बनाने के लिए अपने जो जितने कदम आप उठा सके आप उठाओ। आप जब धान में पैदा होने पर धान की लूट किसानों को होने जा रही है, धान के लिए कैन खोलेंगे लेकिन राइस मिलर सीधा खरीदेंगे, इसे आप कैसे रोकेंगे सर? हम क्यों रोकेंगे? आपका एमपी रोकेगा, मंत्री रोकेगा, आपका एमएलए रोकेगा, एक वीएमसी की बावला है कि छत्तीस नहीं किसान नेता आप सुनिए, हमने तो 20 साल पहले इसी मंडी में 55,000 मेट्रिक टन खरीदवाया था जी। आज तक पूरे देश में जो कांटे लगे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमारे आदेश पे लगे हैं, इसलिए हमने जो किया था लोगों को ट्रेलर दिखा दिया तो हमने याद है आपको, पर याद है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब लोगों को देखना है कि एक आदमी बिना आपकी ताकत के इतना कुछ कर सकता है, अगर ताकत दोगे तो कितना मिलेगा, और फिर भी लोग ना समझे तो हम क्या करें। अच्छा आखिरी सवाल सर, लोग कहते हैं कि बड़ी लाइन मेनका जी ने बनाई, केंद्रीय मंत्री बीजेपी की मेनका गांधी ने, ये हकीकत क्या है बताएं सर? हकीकत ये है कि मेनका गांधी ने तो स्वर्ग बना दिया को, ये तो हकीकत है ना, मैंने स्वर्ग बना दिया, कितना स्वर्ग बनाया है अपने दिलों से पूछ लो। अरे किसी के घर के बाहर कोई एक दिन का काम भी हुआ है क्या? और बड़ी लाइन की जहाँ बात करते हैं, इसका जवाब पीलीभीत के लोगों को कल या परसों मिल जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूरी स्पीच जो पूरनपुर में उन्होंने आके दी थी, और उन्होंने कहा था, और मैं आपको बता दूं क्या हुआ, मेनका गांधी ने पार्लियामेंट में 2005 या 2006 में एक प्रश्न पूछा कि मंत्री जी, रेल मंत्री लालू, उस पर लालू प्रसाद यादव थी, कि मंत्री जी बताएंगे कि हमारी पूरनपुर की जो लाइन है भोजीपुरा से लेकर लखनऊ की, पीलीभीत से बीसलपुर की, ये कब बड़ी लाइन होगी? उस पर जवाब आया, मैंने कहा जी आपको मालूम होना चाहिए सर्वे हो चुका और ये फेल हो गई, ये बड़ी लाइन होने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर हम सोनिया जी से मिले और मनमोहन सिंह जी ने अपनी स्पीच में कहा पूरनपुर में आके कि वीएम सिंह सोनिया गांधी से मिले, सोनिया गांधी ने मुझे कहा, मैंने लालू जी से कहा और हमने आपकी लाइन मंजूर कर दी है। या तो देश का प्रधानमंत्री पूरनपुरा के झूठ बोल गया है, या आपकी मंत्री जिन्हें झूठ बोलने की आदत है वो फिर से झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मेनका जी सर आंवला छोड़कर हो गया, आप बीच में क्यों काट लेते हो गया, नहीं मालूम मेनका जी तक नहीं पहुंचेगा, दुनिया तक पहुंचेगा यार ये बताए। मैं कह रहा हूँ मेनका गांधी आंवला छोड़ के क्यों भागे हैं पुनः पीड़ित में, क्या खासियत है? खासियत ये है कि पीलीभीत के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके जूते चप्पल खाने के बाद भी आगे पीछे भागते हैं, कोई और कोई करता नहीं है जी, ये खासियत है। और क्या सर इस समय महिला प्रकरण आज आप देखिए, मेनका जी ने सीधा सीधा कह दिया ये जूता नहीं तो क्या है, किसान गन्ना नहीं बोए, हमें गन्ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चीनी की जरूरत नहीं है, किसान के मुंह के ऊपर जूता आ गया सीधा, ये क्या है तमाशा क्या है ये? वहां योगी बोलते हैं, बोले गन्ने से शुगर हो रही है, अरे हमारे गन्ने से शुगर है, हमारी चीनी से शुगर है, जो तुम पाकिस्तान से चीनी मंगाते हो शुगर फ्री है क्या? ये दोनों जो हैं इनने कभी खेती करी है? ये तो वही है मेनका गांधी, आपको याद होगा, गन्ना क्यों बोते हो, पेड़ी क्यों नहीं बोते हो? गन्ना काटो। तो इन चीजों के अंदर आप खुद देखो ना, आप तमाचे में तमाचे हमें मारते जाओ, किसानों को मारते रहो और कहो अरे यार तुम्हारा जो एरिया है पीलीभीत एरिया है बाढ़ इसमें आती है, गन्ने के अलावा क्या हो सकता है यहाँ पर बताओ मुझे, आप कहते हो तुम अपना वोट मुझे दे दो पर अपनी जो है जिंदगी खत्म कर दो, ये काम चलेगा क्या ऐसे? और केवल झूठ बोलो, मैंने रेल लाइन करा दी, मैंने ये करा दिया, मैंने स्वर्ग बना दिया, अरे 30 साल में स्वर्ग लोगों ने देख लिया ना, और अगर स्वर्ग लोगों को पसंद है तो मेनका गांधी भी इनकी, पीलीभीत भी इनका, क्या दिक्कत है?